ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय हियर एंड लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन पढ़ने से पहले यार, हमें ये एक अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो हमें रिकर्जन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और हमें इसे ऑप्टिमाइज करना है तो मेमोरेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो हमने अपने पास्ट में कर रखा है, यूनिक पाथ्स टू करके, राइट। तो इन सब टॉपिक्स की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूनिक पाथ्स टू ये वाला क्वेश्चन है जो हमने लीड कोड पर कवर किया था अपने लीड कोड इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेलिस्ट में। तो आप ज़रूर से ये देख लेना अगर आप बिल्कुल नए हो रिकर्जन और मेमोरेशन पे। डीपी की भी प्लेलिस्ट है, उसमें फर्स्ट टू वीडियोस ही हमारे व्हाट इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेमोरेशन एंड टैबुलेशन का वीडियो है, तो वो भी ज़रूर से देख लेना अगर आप बिल्कुल भी नए हो, राइट। नहीं तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जो चीज़ें ज़रूरी है उनको हाईलाइट करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है आर एंड रोज कॉलम का, वेयर सम सेल्स आर लैंडमाइंस। लैंडमाइंस को जीरो से मार्क किया है, ठीक है। एंड अदर्स आर सेफ टू ट्रैवल्स। सो सेम क्वेश्चन अगेन यूनिक पाथ पे है, लैंडमाइंस और ऑब्स्टेकल के नाम पे, आप देख लेना जरूर से। एंड अदर्स आर सेफ टू ट्रैवल्स, योर टास्क टू फाइंड द शॉर्टेस्ट सेफ राउट फ्रॉम एनी सेल सेल इन द लेफ्ट मोस्ट टू एनी सेल इन द राइट मोस्ट। मतलब आपको किसी भी सेल से, फर्स्ट कॉलम के किसी भी सेल से चलना शुरू करो। अगर आप चलते हो तो आप राइट मोस्ट के किसी भी सेल पर अगर आप रुकते हो, राइट, अब ऐसे पॉसिबल पाथ में आपको शॉर्टेस्ट सेफ राउट निकाल के देना है, राइट। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है हमारे पास। वी मस्ट अवॉइड द लैंड माइंस एंड देयर एडजेसेंट सेल्स अप डाउन लेफ्ट राइट। मतलब कि जिस पोजीशन पे जीरो है आप उसके चारों ओर भी जीरो मार्क कर दो, आप उनको ट्रैवर्स नहीं कर सकते हो, दे आर अनसेफ। तो अगर हम इस केस की बात करें, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। अगर हम इस केस की बात करें, इस जीरो के चक्कर में अब इसके जो चारों नेबर्स है वो भी जीरो मार्क हो जाएंगे, राइट। ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सही बात है। सिमिलरली फॉर दिस जीरो ऑल अदर्स वुड बी मार्क्ड एज जीरो, दैट इज दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अब आप देख सकते हो अगर अब हम पाथ निकालने की कोशिश करें, राइट, तो इससे तो कोई आंसर आएगा नहीं। आप यहाँ से कैसे जा सकते हो, आप इधर से इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ये एक पाथ हो सकता है। बट इन्होंने कहा है कि आप डायगनली ट्रैवर्स नहीं कर सकते हो, राइट। कहाँ लिखा था, यू कैन नॉट मूव डायगनली। तो दैट इज वाई अभी जो हमने पाथ बनाया वो पाथ भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो दैट इज वाई हमने जो भी डायगनली पाथ बनाया वो पाथ भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, राइट। ठीक है, दूसरे वन से शुरू करते हैं। अगर यहाँ से शुरू करें तो हम 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो इसमें हमने डायगनली पाथ कवर नहीं किया, सिर्फ वंस को ही ट्रैवर्स किया, तो ये एक सेफेस्ट राउट है जिसका वैल्यू आया 6। सिमिलरली अगर हम यहाँ से ट्रैवर्स करें तो 1 2, आप 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 है या फिर ज़्यादा है, 7 है, राइट। सेवन 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 स्टेप्स लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7, एक तो 7 स्टेप आया। सिमिलरली इस वन के लिए आप ऊपर की तरफ ट्रैवर्स करना पड़ेगा हमें, और कोई उपाय नहीं है, राइट। तो आप देख सकते हो अमंग ऑल द पॉसिबल राउट द शॉर्टेस्ट इज 6। तो डेफिनेटली पहले मेरे को लगा था ये सिंपल DFS का क्वेश्चन है, मैं इस हर जीरो के लिए अपने जीरो को मार्क कर दूं एक एन स्क्वायर नेस्टेड फॉर लूप चला के, और मैं सिंपल DFS रन कर लूँ चार डायरेक्शन में। बट वैसा कर नहीं सकते अगर आपने भी ऐसा सोचा हो तो, क्योंकि अगर आप एक नेस्टेड फॉर लूप चला के सारे एक पर्टिकुलर जीरो के लिए उसके नेबर्स को मार्क कर दोगे, राइट, तो ये जो है, ये जो जीरो है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे जीरो है क्योंकि इसका एक नेबर जीरो था, लाइक एक्चुअल सेल जीरो था। बट आप ट्रैवर्स करोगे तो फिर इस जीरो के चक्कर में और भी बाकी के सबको मार्क कर दोगे, राइट, वो हम नहीं चाहते। सो दैट इज़ वाई ये अब बैक ट्रैकिंग का भी क्वेश्चन है और रिकर्जन का भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि बैक ट्रैकिंग क्यों है यार, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर लेट्स से हमने क्योंकि हम किसी पाथ को कवर कर रहे हैं, राइट, तो एक विजिटेड एरे भी होना पड़ेगा ऑफ एन क्रॉस एम का, ताकि हम सेम पाथ को बार बार ना कवर करें। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं इसको एक बार रब करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमने ये पाथ एक्सप्लोर किया, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए और इधर से इधर गए, तो इन इन सारे पाथ को हमने विजिटेड मार्क किया था, सबको मार्क करते जाएंगे ट्रू ट्रू ट्रू, एक लेट्स से 2D array में, करेक्ट। बट जब हम इस पाथ को एक्सप्लोर करेंगे तो अभी ये सारे ट्रू मार्क हो रखे हैं, आप ध्यान रखना। बट हम जब इस पाथ को एक्सप्लोर करेंगे, राइट, इसके लिए भी ट्रू मार्क करेंगे। बट ये देखिए, अच्छा ये पाथ तो ट्रू मार्क है तो मैं इधर जा नहीं सकता, राइट, अकॉर्डिंग टू आर लॉजिक। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, करेक्ट। अगर इस पाथ से एक्सप्लोर करना शुरू किया है तो यहाँ से भी एक पाथ निकल के आएगा जिसकी वैल्यू 7 होगी। सो दैट इज़ वाई जब हमने एक पाथ एक्सप्लोर कर लिया है, राइट, तो वापस से अपने पेरेंट कॉल पे आके सब सब जो ट्रू थे उन सबको फॉल्स मार्क करते जाएंगे, ताकि सेम पाथ अगर दूसरे पाथ से जुड़ के अगर एक सेफेस्ट राउट बनाता है तो
हम उसे भी कंसिडर कर सकें, तो वहाँ पे बैक ट्रैकिंग भी प्ले होगा। ठीक है, बहुत इंसाइट्स हो गए इस क्वेश्चन के ऊपर। तो हमें करना क्या है यार, या तो हम अपने फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट कर सकते हैं, इन सारे सेल्स के लिए हम अपना रिकर्जन कॉल कर सकते हैं और यहाँ तक पहुँच जाए, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम लास्ट कॉलम के सारे सेल्स के लिए रिकर्जन कॉल करें और राइट मोस्ट टू लेफ्ट मोस्ट ट्रैवर्स करें यूजिंग ऑल द थ्री डायरेक्शन और फोर डायरेक्शन यू कैन से। एक और ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि अगर हमने मेरे को फिर से क्लियर करना पड़ेगा इसको। ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम लेट्स से लेफ्ट मोस्ट से राइट मोस्ट की तरफ जाते हैं, राइट, और हमने यहाँ पे एक डीएफएस कॉल लगाई राइट की तरफ लगाएंगे, डाउन की तरफ लगाएंगे, अप की तरफ भी लगाएंगे, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट मोस्ट कॉल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑल दो मैं मूव कर सकता हूँ लेफ्ट की तरफ, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं लेफ्ट मोस्ट कॉल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके एक बार सोचो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ यार कि देखो, लेट्स से हमने राइट ट्रैवर्स किया, फिर हम राइट ट्रैवर्स किए, राइट, तो हम पीछे से ही तो आ रहे हैं वापस से, लाइक लेफ्ट से राइट ही तो जा रहे हैं, वापस से लेफ्ट कॉल लेने का क्या मतलब है? कोई तो मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट लोगे भी तो आप कौन सा पाथ एक्सप्लोर करोगे? या तो आप ऊपर वाला पाथ एक्सप्लोर करोगे या तो नीचे वाला, बट ये दोनों पाथ तो ऑलरेडी एक्सप्लोर होंगे यूजिंग दीज टू वंस। समझ रहे हो बात को? आई होप आपको ये बात समझ में आई, नहीं आई तो आप वापस एक बार पीछे करो, मैं दूसरी बार नहीं बोलूंगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा इसको। सिमिलरली मैं अगर लास्ट कॉलम से इस कॉलम पे जाऊंगा तो मैं ये वाला पाथ लूंगा, ये वाला भी पाथ लूंगा, ये वाला भी पाथ लूंगा, बट राइट वाला पाथ नहीं लूंगा, सेम रीजन जो मैंने भी यहाँ पे समझाया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स, हम अब कोड लिखना शुरू करेंगे और मैं डायरेक्ट आपको कोड वॉक थ्रू दूंगा। ठीक है, बहुत सारी इंटूशन होगी कोड वॉक थ्रू। और हाँ, कोड के लिए मैंने भी थोड़ा डिस्कशन सेक्शन से हेल्प लिया यार, मेरे को भी डायरेक्ट डीएफएस मेरे को लगा था, मैंने पहले डायरेक्ट डीएफएस कोड किया, फिर मेरे को समझ आया कि नहीं, डायरेक्ट डीएफएस तो नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, अब कोड पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, तो हमने रिकर्जन फंक्शन, ठीक है, शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले हमने एक मैक्स ग्लोबल स्कोप में आंसर डिक्लेयर किया है विद द मैक्सिमम वैल्यू। आप इसको इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू भी ले सकते थे, राइट, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू जहाँ वो भी ले सकते हो। फिर हमने एक एन और एम लग एन और एम बनाया, मैट्रिक्स लेंथ एंड मैट्रिक्स ब्रेथ, रो इन टू कॉलम समझ लो आप। बूलियन विजिटेड बनाया एन क्रॉस एन, क्योंकि जब भी ट्रैवर्स करेंगे रिकर्जन में इसको विजिटेड मार्क करना है। फाइनली एक मेन वेरिएबल बनाया, लेट्स से आप इसे कुछ भी बना सकते हो आंसर। और हमने क्या किया, हमने लेफ्ट मोस्ट टू राइट मोस्ट गया, राइट, तो आप देख सकते हो कि रो बदल रहे हैं बट कॉलम हमेशा सेम रहेगा, दैट इज जीरो, राइट। तो हम हमेशा लेफ्ट मोस्ट से राइट मोस्ट का ट्रैवर्सल का कॉल कर रहे हैं, उनमें से जो मिनिमम आंसर है हम उसको मिनिमम स्टोर कर रहे हैं, एट लास्ट मिनिमम को रिटर्न कर दिया। अगर कोई भी आंसर नहीं मिलता और मैक्स ही बना हुआ है अपना वैल्यू, तो हम माइनस रिटर्न कर देंगे जो भी हमने क्वेश्चन में कहा था। ठीक है, रिकर्जन पे अब आते हैं। तो रिकर्जन में हमने कुछ कुछ कंडीशन चेक की हैं, क्या कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन, हमने पैरामीटर्स क्या क्या पास करने होंगे, आई जे क्योंकि चेंज हो रहे होंगे, राइट, और कितने पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं एक बार ये भी बात कर लेते हैं। हमेशा आई और जे ही चेंज हो रहे थे जब हम मेमोराइजेशन करेंगे, राइट। मेमोराइजेशन का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हाउ मेनी पैरामीटर्स आर चेंजिंग, टू पैरामीटर्स, राइट, तो हम 2D मैट्रिक्स इसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे। ठीक है, ये बातें सेम चीज़ है, अगर आपने वो वीडियो देखा हो जो मैंने कहा, तो आपको ये सब बातें भी समझ में आ गई होंगी अभी तक। सो अगेन, तो हम लेफ्ट मोस्ट से राइट मोस्ट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज फर्स्ट कॉलम टू द लास्ट कॉलम। तो जैसे ही हम लास्ट कॉलम पे पहुंच जाते हैं, राइट, सो दैट मीन्स कि हमें आंसर मिल चुका है, राइट, एंड दैट इज वाई हमारा एक बेस केस है कि अगर राइट मोस्ट कॉलम पे पहुंच गए तो हमारा एक बेस केस है रिटर्न, वन क्यों लिखा बताएंगे अभी। फिर हमने क्या किया, विजिटेड को ट्रू मार्क किया है, तीनों डायरेक्शन में ट्रेवल्स किया है, वन प्लस इसलिए किया है क्योंकि यार अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, मैं इसको फिर से एक बार रब कर देता हूँ, अगर आप इस पॉइंट से एक सेकेंड, अगर आप लेट्स से इस पॉइंट से स्टार्ट कर यहाँ जा रहे हो, तो आपने एक व्हाट इज से आपने एक पाथ एक्सप्लोर किया, राइट, आपने पाथ में आपने एक सेल को और एक्सप्लोर किया, इसलिए प्लस वन। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो एक और प्लस वन, राइट। सिमिलरली जब लास्ट तक रीच कर जाएंगे, राइट, तो यहाँ पे हमने रीच किया तो इसके लिए भी एक प्लस वन रिटर्न करेंगे, एंड दैट इज वाई हमने किया रिटर्न वन यहाँ पे। ठीक है, ठीक है यार, वॉट एल्स, विजिटेड, अब जब ये सारा खत्म हो गया, राइट, हमने पाथ को एक्सप्लोर कर लिया है, राइट, और लास्ट में हमने क्या किया कि जब पाथ एक्सप्लोर करते करते आखिरी तक पहुंच गए, तो उन सारे को एक एक करके फॉल्स भी मार्क करते गए। पहले इसको हमने ट्रू मार्क किया, ट्रू 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 ट्रू, बाद में जब पेरेंट कॉल पे वापस गए तो इन सबको हमने फॉल्स मार्क कर दिया वापस से, ताकि दूसरे पाथ भी इस पाथ के थ्रू अगर कोई आंसर निकाल पा रहे हैं तो वहाँ दिक्कत ना हो, जैसे हमने देखा था इस पाथ के लिए। ठीक है, एट द लास्ट हमने
मिनिमम जो जो तीनों रिकर्सिव कॉल लगाए अप डाउन और राइट उनका मिनिमम रिटर्न कराया है। ये पहला बेस केस क्या है, हमने चेक किया है कि यार सबसे पहले जो आई और जे पॉइंटर्स है हमारा वो इनबाउंड होना चाहिए, राइट। इनबाउंड के लिए अगर आउट ऑफ बाउंड हुआ तो क्या मतलब, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो और ग्रेटर देन मैट्रिक्स लेंथ दैट इज ग्रेटर देन रोज एंड ग्रेटर देन कॉलम। तो आई हमारा रो है, जे हमारा कॉलम वाला पॉइंटर है, और विजिटेड ऑफ आई जे अगर ऑलरेडी टू है मतलब इस पाथ में ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके हैं, तब भी हम अपना रिकर्जन रोक देंगे और जो मैक्सिमम आंसर है जिसमें हम जो पॉसिबल पाथ का आंसर मैक्स में स्टोर कर रहे उसको अपडेट कर रहे हैं वही रिटर्न कर देंगे। दैट इज़ वाई हमने इस मैक्स को ग्लोबल स्कोप भी बनाया था। तो पाथ एक्सप्लोर नहीं होना चाहिए, फिर पाथ में जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये था लैंड माइन्स, राइट। लैंड माइन्स भी हमें एक्सप्लोर नहीं करना है, हमें सेफेस्ट राउट पर जाना है। इज वैलिड क्या चेक करता है, इज वैलिड ये चेक कर रहा है कि आपके आजू बाजू में जीरो है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था एडजेसेंट भी अगर जीरो है तो मुझसे नहीं जाएंगे, राइट। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है, राइट, और मैं इस प्लेस पे वन हूँ, राइट। मैं देख रहा हूँ कि ठीक है यह वन है, ये सेफेस्ट आउट है, बट अगर इसके अगर इधर जीरो रख दिया जाए तो डेफिनेटली जीरो की क्या प्रॉपर्टी थी कि आप ये चारों को लैंडमाइन से बदल देगा, राइट। सो दैट इज़ वाई एम चेकिंग कि अगर वन के चारों डायरेक्शन में अगर एक भी जीरो मिल गया हमें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे, डायगनल से फर्क नहीं पड़ता, बट अगर इन चार डायरेक्शन में हमें जीरो मिल गया तो डेफिनेटली ये वन भी अफेक्ट होकर जीरो में बदल जाएगा, एंड दैट इज वॉट वी आर चेकिंग, राइट। चारों डायरेक्शन हमने चेक कर लिया यूजिंग टू इफ, एंड अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न ट्रू इज वैलिड हमें दे देगा, ठीक है। सो दैट इज इट यार, दैट इज इट, दैट इज द ओवरऑल कोड वॉक थ्रू फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस पॉज दिस वीडियो, ट्राई टू कोड दिस सॉल्यूशन बाय योरसेल्फ, एंड लेट अस रिज्यूम इन 2 to 3 minutes अगेन। ओके, सो दिस विल बी आर इंटायर कोड, लेट अस सी द इंटायर कोड इन एक्शन एज वेल। तो सेम कोड है जो मैंने आपको बताया, राइट, एंड आप चिंता मत करो क्योंकि ये क्वेश्चन है थोड़ा सा नॉर्मल डीएफएस का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन है। तो आपको इसका सोर्स कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा हर बार की तरह, ठीक है। इसके होने का वेट करते हैं, एंड जब तक कि हो रहा है, व्हाट इज़ द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने हर सेल के लिए, हमने हर सेल के लिए तीन ट्रैवर्स, तीन डायरेक्शन में ट्रैवर्स किया, राइट, तीन डायरेक्शन में। एंड हाउ मेनी टोटल सेल्स आर देयर, टोटल सेल्स आर एन क्रॉस एम, लेट्स से। तो हो जाएगा हमारा 3 एक्सपोनेंट एन क्रॉस एम, और अगर आप एन क्रॉस एम को कैपिटल एन से डिक्लेयर करते हो तो हमारा हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट n, एंड सिमिलरली ओ ऑफ एन हो जाएगा हमारा स्टैक स्पेस, ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस। दिस वुड बी योर स्पेस, दिस वुड बी योर टाइम, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स, तो अब हम इसको डीपी से मेमोइज करेंगे। मेमोइजेशन का वही बताया रहा, कितने स्टेट्स चेंज कर रहे हैं, हमने पहले डिस्कस किया था सिर्फ आई और जे ही चेंज हो रहे हैं हमारे टोटल जब भी हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, राइट। मैट्रिक्स रिमेन एज इट इज, एंड विजिटेड, विजिटेड भी चेंज हो रहा है, बट स्पेसिफिकली विजिटेड का तो अलग मैट्रिक्स है तो हमें इसको हैंडल नहीं करना है अपने डीपी में, आई और जे के लिए हमें डीपी बनाना होगा, ठीक है। तो अब मेमोइजेशन पे चलते हैं, उस पार्ट को हाईलाइट करते हैं जहाँ जहाँ हमने चेंज किया है, राइट। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो हमने एक डीपी एरे बनाया, ये वाला पार्ट हमने किया है, डीपी एरे बनाया, देन रिकर्जन में हमेशा डीपी पास किया जहाँ पे भी हमने रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, रेस्ट रिमेन एज इट इज। रिकर्जन के अंदर आते हैं, सारी लाइन सेम है यार। रिमोशन का ये मतलब होता है कि आप अगर किसी एक पर्टिकुलर सेल के लिए सॉल्व कर चुके हो, राइट, जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने वो पहला वीडियो देखा होता फिबोनाची का तो आपको ये चीज़ें भी बहुत अच्छे समझ में आती, बट ठीक है मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ क्या होता, क्या हो क्या रहता है रिमोशन में। देखो, आपने इसके लिए सॉल्व किया, फिर आप यहाँ गए इसके लिए सॉल्व किया, फिर आप यहाँ गए इसके लिए सॉल्व किया, एंड एवरीथिंग सो ऑन एंड सो फोर्थ। रिमोशन क्या करता है कि इस वैल्यू के लिए स्टोर कर लेता है आंसर, जैसे यहाँ से यहाँ जाने तक पाथ लेंथ क्या है, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। तो डीपी में जो मेमोरेशन आ रहे हैं यहाँ पे वो वैल्यू 4 स्टोर कर लेगा आई ऑफ जे पे, ठीक है। अब जब सेकंड पाथ डिस्कवर करेंगे यहाँ से लेके यहाँ गए, राइट, तो 2 हो गए, 2 से 3 हुआ लेट से, और लेट से इसके लिए 4 था तो डेफिनेटली इसके लिए डीपी में आ रहे क्या स्टोर होगा, 5, क्योंकि 5 लेंथ है। तो यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से डायरेक्ट 5 उठा लेंगे अपना, राइट। तो यहाँ से यहाँ पे गए तो 2 गया, एंड 2 प्लस दिस डीपी ऑफ आई जे, 2 प्लस 5 इक्वल्स 7, डायरेक्ट हमको आंसर मिल जाएगा। वापस से पूरा इटरेशन करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, अगर नहीं आया बात तो डेफिनेटली फर्स्ट वीडियो देखना डीपी का, जिसमें फिबोनाची के हेल्प से समझाया गया, ठीक है। और क्या है हमारे पास, तो ये हो गया। तो दैट इज वाई बिफोर मेकिंग अ रिकर्सिव कॉल, आप देख सकते हो मेमेशन ये होता है बिफोर मेकिंग अ रिकर्सिव कॉल, चेक किया अगर आपने ये पहले सॉल्व कभी कर रखा है कि नहीं। अगर सॉल्व कर रखा है तो डायरेक्ट डीपी ऑफ आई जे ले लो, नहीं कर रखा है डू द रिकर्जन, एंड वंस यू आर डन विद द रिकर्जन इंस्टेड ऑफ जस्ट रिटर्निंग इट सेव दैट आंसर इन द डीपी एज वेल, ठीक है। बस इतना ही चेंजेस था, एवरीथिंग रिमेन एज इट इज। सो लेट अस सी द डीपी अप्रोच एज वेल। अब
इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब बताओ क्या होनी चाहिए। हर एक सेल को हम बस एक ही बार सॉल्व कर रहे हैं और उसकी जो वैल्यू है, जो आंसर है, हम उसको सेव कर ले रहे हैं और नेक्स्ट टाइम डी पी एफ आई जे ये ओ ऑफ वन से एक्सेस कर लेते हैं अगर आंसर अवेलेबल है वहाँ पे तो, राइट। सो डेफिनेटली ओ ऑफ एन क्रॉस एन टाइम हो जाएगा क्योंकि एक ही बार रन करना है, रिकर्जन फॉर ईच एंड एवरी सेल, और बाद में इसके लिए आंसर सेव कर लेते हैं। स्पेस कंस्टेंट क्या हो जाएगा, अगेन ओ ऑफ एन क्रॉस एन, दैट इज इट यार। क्योंकि हमने एक क्या बनाया है, विजिटेड एरे बनाया, और सिमिलरली पीछे रिकर्जन वाले केस में भी यार एन नहीं होगा, हमने वहाँ पे विजिटेड एरे बनाया, राइट। तो इसके लिए भी एन क्रॉस एम होगा और ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस वो ऑफ एन एन होगा मेथड वन के लिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन अगेन ट्राई रिकॉर्ड द सेम सोल्यूशन इन योर कोड एटर एज वेल। लेट अस सी द कोड इन एक्शन नाउ। एंड वंस यू आर डन विद द सबमिशन, जब आप सबमिशन कर ले तो डेफिनेटली एडिटोरियल को चेक करना यार, यहाँ पे और भी बहुत सारे अप्रोचेज रहते हैं, राइट। तो मैं भी जब सबमिशन करता हूँ देखता हूँ और कौन से पॉसिबल अप्रोचेज हैं और उनमें जो ऑप्टिमम है, जो कि नीडेड रहता है, रिक्वायर्ड रहता है, मैं वही समझाता हूँ। सिमिलरली लीड कोड के केस में भी है, वंस यू आर डन विद द सॉल्यूशंस, वंस यू आप सक्सेसफुल सबमिशन कर लियो, तो डेफिनेटली एडिटोरियल सेक्शन में जाओ, सारे सॉल्यूशन चेक करो और पढ़ो, एटलीस्ट एक बार पढ़ना चाहिए, राइट। ठीक है, तो यही रहा कोड हमारा फॉर द डीपी एंड दैट इज इट। लेट अस हिट द सबमिट बटन एंड लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो ये भी हो गया यार, आप देख सकते हो मेरे को भी 5 अटेम्प्ट लगे हैं, 2-3 अटेम्प्ट तो बस डीएफएस कोड लिखने में फेल हो गया था। तो ठीक है, नाउ इफ यू डू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, द इंट्यूशन एंड द कोड विच वी जस्ट रोट, ऑल्सो टेकन हेल्प फ्रॉम डिस्कशन, तो डेफिनेटली अगर आपको हेल्प हुआ है तो सब्सक्राइब कर देना, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट कनेक्टेड ऑन अदर सोशल मीडिया एज वेल, एग्जाम्पल लिंक्डइन। नाउ लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय एंड टेक केयर गाइस।